दोस्तों यदि आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, जिससे कि आप जो भी कुछ बताना चाहते हैं आपका सब्सक्राइबर तुरंत उस चीज़ को समझ जाए। तो इसीलिए आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। मोबाइल से जितना भी यूट्यूबर वीडियो को एडिट करते हैं, 90% लोग काइन मास्टर एप्लीकेशन को ही उपयोग करके अपना वीडियो को एडिट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल एप्लीकेशन है और इसमें काफ़ी चीज़ है जो आपको वीडियो को एक प्रोफेशनल लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाता है। आज आप लोगों को डिटेल में वीडियो अपने मोबाइल से वीडियो एडिट को किस तरह से करना है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो भी काइंड मास्टर एप्लीकेशन से। दोस्तों यदि आप हमारे एपिसोड को देख लेते हैं, यानी कि 10 क्लास होगा वीडियो एडिटिंग का, यदि आप 10 वीडियो देख लेते हैं तो आप एकदम प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना जान जाएंगे, किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो दोस्तों हम अपना एपिसोड में सबसे पहले वीडियो एडिटिंग बताएंगे, उसके बाद काइंड मास्टर से थंबनेल किस तरह से बनाना है, उसके बाद दोस्तों इंट्रो वीडियो किस तरह से बनाना है, उसके बाद दोस्तों एंड स्क्रीन वीडियो किस तरह से बनाना है, उसके बाद दोस्तों VFX वीडियो किस तरह से बनाना है, ये सब चीज़ हम अपने वीडियो एडिटिंग में सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ से आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो गया। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या मोड वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोड वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं, ये क्या है। इससे आपको काइंड मास्टर का जितना भी इफेक्ट होता है, जितना भी चीज होता है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला काइंड मास्टर का इफेक्ट है, यहाँ से इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट डाउनलोड लोड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से स्टिकर इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको काइंड मास्टर का म्यूजिक मिल जाता है। उसके बाद ये वाला फाइल को हम बंद करते हैं। अब आता है ये वाला प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना वीडियो को बना सकते हैं। ये वाला इफेक्ट 16:9 क्या है, आप यहां से YouTube का लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। 9:16 क्या है, यहां से आप YouTube का शॉर्ट्स वीडियो, मौज का शॉर्ट्स वीडियो, रील्स का शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं। 1:1 क्या है, यहां से आप कम्युनिटी पोस्ट का पोस्ट भी बना सकते हैं या आप Instagram का पोस्ट भी बना सकते हैं। चलिए इस फाइल को हम बंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड नंबर का जो है, ये है काइंड मास्टर का यूट्यूब चैनल। यहाँ इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब में सीधा चले जाएंगे और काइंड मास्टर के चैनल पे चले जाएंगे। उसके बाद ये वाला इफेक्ट, इस पर हमको जाना है, तो इस पर हमको जाने पर यहाँ से काइंड मास्टर को जो न्यू अपडेट आता है इसकी जानकारी देता है। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कई सारा अपडेट आए, इसकी जानकारी देता है। उसके बाद इस पर क्लिक करने से यहाँ से आपको काइंड मास्टर का एडिटिंग का नाम यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ से ओके करके यहाँ से आपको कोई वीडियो सेलेक्ट करके यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम बंद करते हैं, बाद में इसको हम बताएंगे। दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप काइंड मास्टर का सोशल मीडिया पेज, यहाँ से ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से ईमेल दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, और किसी भी तरह का आप हेल्प चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पे हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद है कि हेल्प एंड सपोर्ट की जानकारी मिल गया है मुझे। अब आगे चलते हैं। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यदि आप काइंड मास्टर का प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हैं, जो आप गूगल से डाउनलोड करते हैं, यहाँ से आप प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। उसके बाद अब मेन आता है सेटिंग, तो सेटिंग पे जाते हैं। उसके बाद माई इन्फॉर्मेशन में यहाँ से आप काइंड मास्टर पे अकाउंट बना सकते हैं। चलिए इसको हम बंद करते हैं। उसके बाद अबाउट काइंड मास्टर में जाने से हमको यह पता होता है कि आपका काइंड मास्टर किस वर्जन का है, उसके बाद आपको यही जानकारी देता है। उसके बाद अब डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन में जो भी रेजुलेशन सपोर्ट करता है, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके रन एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे कि खुद आपका फ़ोन में जो भी सपोर्ट करता है यहाँ से आ जाएगा। जैसे मेरा फ़ोन में 1080 सपोर्ट करता है। चलिए हम इसको अब बंद करते हैं, आगे चलते हैं। देखो भाई इसमें है कि जो भी आप फोटो फाइल से लेते हैं और टाइम लाइन पे या कितना समय तक रहता है इसी चीज़ की, या 2 सेकेंड 3 सेकेंड आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ रहने देते हैं। उसके बाद जूम एंड पेन, इसको भी रहने देते हैं।
देखो भाई, मीडिया ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड को यदि ऑन नहीं करते हैं तो आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यदि आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपको मीडिया ब्राउजर फुल साइज में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसी तरह से ऑडियो ब्राउजर भी है, इसको हमको ऑन कर देना है जिससे कि एडिटिंग करने में काफ़ी सुविधा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों फीचर आपको आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑडियो लोकेशन। आप अपना काइनमास्टर को ऑडियो लोकेशन कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो फिलहाल हम काइनमास्टर फोल्डर में ही रहने देते हैं। उसी तरह से वीडियो लोकेशन भी है, फोटो लोकेशन है, ये सभी चीज़ों को काइनमास्टर फोल्डर में ही रहने देते हैं। उसके बाद इस वाले सेटिंग पे आते हैं और यहाँ से मीडिया ब्राउजर हाइडली मोड को यहाँ पे ऑफ ही रखना है और यहाँ से शो ऑडियो मल्टीपल इसको भी ऑफ रखना है। ऑल एक्सपर्ट फ्रॉम 60 पे ऑन इसको रखना है। उसके बाद 240 पे भी इसको ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ से आता है कॉलेज डाटा वाला को ऑन रखना है। उसके बाद अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, जिससे कि आप अधिक से अधिक अपने काइनमास्टर के टाइम लाइन में अधिक से अधिक लेयर को ऐड कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ऑन रख सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे काइनमास्टर का फुल सेटिंग का इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया है। यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं काइनमास्टर का नेक्स्ट एपिसोड में।